अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह वक़ाल सुब्हानहु व तआला इन हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। अज़ीज़ाने मन नाज़रीने किराम, इस्लाम की जो किताब है और उसका जो दस्तूर है वो कुरान मजीद है, और कुरान मजीद की तफसीर और तशरीह वो सुन्नत रसूलुल्लाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक तुमने इन दोनों को मुलाजिम पकड़ा अमल करते रहे लन तज़िल्लू, आप गुमराही का शिकार नहीं होंगे। गुमराही से बचना है और सीधे रास्ते की तरफ अगर आना है तो फिर किताबुल्लाह और उसके अहकामात और उसके अवामिर और उसकी मनहियात और ममनुआत से भी उनको भी मद्दनज़र रखना होगा कि अवामिर पर अमल किया जाए, अहकामात को माना जाए और ममनुआत जो हैं उनसे रुका जाए। किताबे मुकद्दस कुरान मजीद किताबे मुताहर, इसकी तलीमात ला रहे बफी, इसमें कोई शक नहीं, शुबा नहीं, यकीनी है सारा है, वो अल्लाह के अहकाम है और उन पर ईमान रखना, ईमान रखने के साथ लाने के साथ उस पर अमल करना है। और ये कुरान मजीद सीधा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है, जिसके लिए हम हर नमाज की हर रकत में दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, और ये मेरा सीधा रास्ता है। कुरान मजीद कुरान किताब मुकद्दस के बारे में फरमाया इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, तो ये कुरान मजीद जिसकी रहनुमाई करता है, जिधर लेके जाता है, जिस रास्ते की तरफ गामजन करता है, वो अक़वम है, मुस्तहकम है। जो अशख़ास और मर्द व हज़रात ख़वातीन इस रास्ते पर चलते रहे और इसकी तरफ बुलाते रहे और इस पर अमल करते रहे, इसकी दावत देते रहे, वो यकीनन इस दुनिया में भी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हैं और आखरत में कामयाब और कामरान लोग हैं। कुरान मजीद की सीधी राह वो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुरान मजीद ज़ालिकल किताब, ये किताब मुकद्दस, हुदल्लिल मुत्तकीन, ये लोगों के लिए, मुत्तकीन लोगों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है, बयानुल लिन्नास लोगों के लिए वजाहत है। तो इस वजाहत को पढ़ना और उस पर अमल करना और उसकी तिलावत करना सारा कुछ इंसान से, मुसलमान से मतलूब है। ये ऐसी किताब है कि जिसका एक हर पढ़ लिया जाए तो 10 नेकियाँ, अलिफ लाम मीम 30 नेकियाँ इससे मिलती हैं, और जब भी इससे ताल्लुक़ जोड़ा जाता है, ताल्लुक़ पैदा किया जाता है, तो ये हबलुल्लाह अल्लाह की रस्सी इससे साथ चिपटा जाता है, तो फिर अल्लाह वहदहुल्ला शरीक उस बंदे की रहनुमाई फरमाते हैं। कुरान मजीद इख्तलाफ और इंतशार से रोकता है, सलामती और इत्तेफाक और इत्तेहाद की दावत देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वअतसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और मुंतशिर ना हो जाए, फिरके फिरके ना बन जाए। और अगर इख्तलाफ इंतशार आ गया तो कुरान मजीद की रहनुमाई है इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती, कुरान मजीद की रहनुमाई है कि ये पक्का और पुख्ता रास्ता है। इन तनाज़ात विशेन फरुद्दुहु इलल्लाह व रसूल, अगर तुम लड़ पड़ो, इख्तलाफ हो जाए, इंतशार हो जाए, तो फिर उसको अल्लाह की किताब और उसके रसूल की हदीस की तरफ लौटाओ, तो मामला सुलझ जाएंगे, इंतशार ख़त्म हो जाएगा, इत्तेफाक आ जाएगा, और जो हक है वो जब सामने आ जाए तो हक की इत्तबा की जाए और जो नाहक है उसको छोड़ा जाए। यही तलीमात नबी हैं और तलीमात रसूल हैं। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह वहदहुल्ला शरीक अमल की तौफीक नवाज़े। वमा अलैना इल्लल बलाग।